हैप्पी एनिवर्सरी हो यू। केक पे गाड़ा था पूरे पे। आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी जल्दी आ जल्दी आ जाओ आ जल्दी आओ होता है जल्दी। स्माइल देखो स्माइल। ये महाराज जी जा रहे देखो। बाय बाय महाराज जी। हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने में बस कुछ ही सब्सक्राइबर रह गए हैं और बस 1000 कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि भाई इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें। भाई धन्यवाद आपका। और आज ही बहुत प्यारा दिन है भाई साहब, आज मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी है और आज मैं बहुत खुश हूँ, हद से ज़्यादा खुश हूँ। ये नया ब्लॉग ही मेरा पहला ब्लॉग है जो मैं बना रहा हूँ। तो प्लीज़ यार लाइक करें, फॉलो करें और भाई अपने भाई को सपोर्ट करें। तो आज हम लोग जाएंगे महाकाल मंदिर, भगवान महादेव के मंदिर जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हमारे उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे उनसे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं हमारा महादेव का मंदिर कैसा है। ठीक है, मिलते हैं अभी। तो गाइस मैं लेट हुआ हूँ केवल इसकी वजह से, ये बहुत लेट होती है। तय क्या मम्मी इसकी फुल सपोर्ट करती है भाई, कुछ भी इसके बारे में बोलो तुरंत जवाब दे रही। जल्दी हो जा, लेट हो रहा है जल्दी। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं महादेव मंदिर, अभी अभी पहुंचे हैं, थोड़ा सा लेट हो गए हैं क्योंकि मुझे दीदी को लुवाना था भगवान के घर से, अभी नानी के घर से, और छोटी सी बहन जी है तो उनको भी लुवाना था। तो अभी अभी हम पहुंचे हैं तो प्रसाद लेंगे, अंदर मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, हम दिखाएंगे महादेव मंदिर का दर्शन करेंगे। तो चलते हैं अंदर प्रसाद लेते हैं। तो ये हमारी भांजी प्यारी सी छोटी सी, इतना हो जाइए। ये बहुत शैतान है, ये बाय बाय तुरंत करती है, इनसे कह दो बाय बाय। जानवी कुछ बोलोगी? देखो देखो जानवी जानवी जानवी, अरे 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 जानवी कुछ बोलोगी? चलो चलो। तो हमने यहाँ से प्रसाद पैक करा लिया है बस। यहाँ के बंदर बहुत शैतानियाँ होते हैं भाई, इनसे प्रसाद बचा के निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ से प्रसाद पैक करवा लिया है। तो हम मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं भाई लोग। तो देखिए गाइस किस प्रकार भोले बाबा का दर्शन। राम राम आंटी जी, राम राम। चलो चलो। ऐसे भोले बन के हैं बैठे जैसे पड़े। अरे अरे वो नहीं पड़ेगा, ठीक है चलो। तो ये हमारे भोले बाबा के है मंदिर है, देखिए। तो हम लोग आ गए हैं भोले बाबा के मंदिर और ये हमारे महाराज जी। आ जा। देखो देखो कैसे बैठे हैं, देखो प्रसाद किला रख लो, वही में रख लो ना, तब छुड़ा ले। ये भोले बाबा।
कुंड है यहाँ पे, बहुत से भक्तगण यहाँ स्नान करने आते हैं, यहाँ स्नान करने के बाद दर्शन करने जाते हैं। तो ये कुंड बहुत ही बड़ा है और इसकी गहराई लगभग पता नहीं है, अभी तक मापी नहीं गई है इसकी गहराई, बहुत ही गहराई है इसमें। ये कुंड रहा और ये उसके बगल में रहा तालाब, ये थोड़ी 10-15 फीट है। तो यहाँ पे सब लगाते, वहाँ कोई नहीं जाता है कुंड में, तो यहाँ सभी लोग नहाने आते हैं, फिर इसके बाद नहाने के बाद दर्शन करने वहाँ मंदिर में जाते हैं। तो गाइस इन्होंने बहुत शैतान किया है सच में, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ बहुत भाग रही थी ये, और बंदरों के साथ तो इतना खेल घुल में लगाई थी कि ऐसे उनके पीछे भाग रही थी कि बता नहीं सकते भाई, इनको बिल्कुल डर नहीं लग रहा था वहाँ जाने में। तो हम लोगों ने प्रसाद चढ़ा दिया है, सब हो गया है हम लोगों का, तो बस अब थोड़ा रुकेंगे और यहाँ तालाब साइड जाएंगे और देखेंगे कि कैसा नज़ारा है, कितना भरा है कितना नहीं भरा, और यहाँ की पवित्रता के बारे में क्या ही बताएं भाई लोग आपको, बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। बस यहाँ थोड़ी साफ़ सफाई और अच्छे से हो जाए ना, तो और बढ़िया सुंदर लगने लग गया। सीताराम 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 सीताराम, आजा चढ़ना है वहाँ पे, चढ़ना है, चढ़ना है वहाँ पे। ये नटखट बहुत शैतान करी भाई, ये तो हनुमान जी की सेना के साथ खेलने भी लगी थी। देखो अब देखो इनका शैतान, देखो देखो कहाँ जा रही, देखो कहाँ जा रही, देखो देखो कहाँ जा रही, देखो आजा 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 आजा। तो गाइस हमने मंदिर के दर्शन कर लिए, प्रसाद भी चढ़ा दिया है, और हम लोग जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ, आओ जल्दी आओ, होता है तो जल्दी खिलाए। स्माइल देखो स्माइल, ये महाराज जी जा रहे, देखो बाय बाय महाराज जी। गाइस शाम के अभी 7 बजे हैं और हम लोग तैयारी कर रहे हैं एनिवर्सरी की, तो आधा शाम अंदर तैयारी तो हमारी हो गई है, बच अब इनको सजावट करना है, तो कुछ ही देर में हम सजाएंगे और मतलब अच्छे से अच्छे तरीके से लगाएंगे। और हमारे छोटे भाई आ रहे हैं अभी, चाचा की लड़कियां दीदी आ रही हैं हमारी, तो सब लोग आ जाएंगे, तो अभी हम बताएंगे आप लोगों को किस प्रकार सजा है, और बढ़िया से अच्छा प्रोग्राम होना है, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो आगे हम बताते हैं कैसे हमारे भाई अंसल भैया छोटे आ गए हैं, सजा रहे हैं, और बहन है छोटी और एक मौसी का लड़का, ये इसमें हेल्प करवा रहा है थोड़ी बहुत। तो गाइस सब लोग आ गए हैं, बस थोड़ी देर में हम केक काटेंगे, इसके बाद वीडियो बनाएंगे। तो देखो सब दीदी आ गई हैं, भैया आ गए हैं, और माँ अभी बाहर बैठी हैं, पापा सो रहे हैं, तो अभी हम उनको भी जगाएंगे, और भाई लोग बाहर बैठे हैं। तो बस सजावट पूरी तरह हो गई है, तो बस केक काटना रह गया है, तो बस केक काटेंगे। शैतान देखो लाइट दुखी गाया भाभी, काटो हैप्पी एनिवर्सरी हो यू, केक पे काटा था पूरे पे, रवि को बोला रवि भाई साहब।
बता भी बना लिया अभी केक खा लो भाई साहब चल Gracias.